खाने भी मिल रहे हैं। एक वो चीज बहुत ज्यादा बढ़िया हो गई, यहाँ के लोग हमको समर्थन कर रहे हैं, हमारे झारखंड के समर्थन कर रहे हैं, और हमें ये ठंडा ठंडा पानी भी मिल गया, हम पीते हैं और डर गया मेरा। तब तक इसका वीडियो लो, बोलो हाँ। तो हाय हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो आज झारखंड बंद का दूसरा दिन है और आज है 11 जून। तो हम लोग अभी जा रहे हैं निरसा के अंतर्गत पांडरा मोड़, जहाँ पे हमें चक्का जाम करना है और झारखंड बंद का ऐलान करना है। तो 60-40 नीति के खिलाफ हम लोग जा रहे हैं वहीं पे, और साथ में हम लोग का ये देख सकते हो हमारे चाचा जी जा रहे हैं, चिक्कू आई कर रहा है, और ये राकेश है, सत्य है, काफी सारे लड़के हम हमारे पहुंच चुके हैं और हम जस्ट पहुंचने वाले हैं, और हम वहां पे जाके आपको दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट निरसा का, मतलब निरसा का पांडरा बाजार का हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। तो क्या होता है क्या नहीं, वीडियो पे बने रहो। और हाँ यार, चैनल पे तुम नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हम यहाँ से बस निकलने वाले हैं। चलो तो दोस्तों हम लोग अभी यहाँ से निकल चुके हैं, और आपसे मिलते हैं हम सीधे पांडरा मोड़ में ना। जी, हम लोग चलते हैं पांडरा मोड़ में, पांडरा मोड़ से फिर रैली निकालेंगे, पूरा झारखंड नहीं पूरा निरसा बाजार बंद करवा देंगे। चलिए हम निकलते हैं रैली को स्टार्ट करेंगे पांडरा मोड़ से, पूरा कवरेज में आपको दिखाने वाला हूँ, तो लाइक ठोक देना यार, ऐसे नहीं जाना। चलो आप देख सकते हैं बंदी का नतीजा, सब तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है, ये सब बंदी का नतीजा है झारखंड बंदी का। हाँ तो देख सकते हैं दोस्तों, जितने भी छात्र हैं यहाँ पे सब इकट्ठा हो चुके हैं, और झारखंड बंदी का आज दूसरा दिन है, मतलब आज 11 जून है, झारखंड बंदी का दूसरा दिन है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं पांडरा मोड़, पांडरा से हम लोग निरसा को जाम करेंगे, और देख यार तुम यहाँ पे और देख सकते हो सारे अभी लड़के यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, और सीधा बढ़ेंगे मार्केट की ओर चक्का जाम करने। चलो हम भी अब निकलते सीधे चक्का जाम करना है, झारखंड बंद, मतलब झारखंड बंद है, सपोर्ट करना यार, तुम कमेंट पे लिखना झारखंड बंद के तुम सपोर्ट में है या नहीं है, 60-40 नीति आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता कमेंट में तुम बताना यार, ये झारखंड के लिए अच्छा है कि बुरा है। हम लोग को तो भाई बुरा लग रहा है, इसलिए हम रोड पे उतर चुके हैं, आप लोग समर्थन करेंगे ये मैं आपका आशा करते रहता हूँ। तो बने रहो यार, तुम वीडियो पे लाइक नहीं किया तो लाइक ठोक दो, हम बढ़ रहे हैं बस निरसा मार्केट की ओर, चक्का जाम करना है, झारखंड बंद है, तो भाई झारखंड बंद है, झारखंड बंद है, 40 ना चलतो, ना चलतो, झारखंड बंद है, बंद है, 40 ना चलतो, अरे हेमंत सोरेन होश में आओ, 40 ना चलतो, ना चलतो, झारखंड बंद है। अभी हम लोग यहाँ पे आते थे पांडरा मोड़ बाजार को, देखते हैं यहाँ पे आगे आगे होता है क्या, गरम तो भाई पूरा मार्केट हम लोग कर देंगे, बने रहो यार तुम वीडियो पे, एकदम बने रहो। हाँ तो दोस्तों यही है वो जगह जहाँ हम लोग चक्का जाम करने वाला है, तो इसके आप समझ सकते हैं कि ये निरसा और पांडरा मोड़ के बीच में एक मोड़ है, खुसरी मोड़, जहाँ पे एक रेलवे का ओवरब्रिज है, यहीं पे हम लोग चक्का जाम करने वाला है, और झारखंड बंद का ऐलान हम यहीं से करेंगे। लगातार उनका 4 वर्ष पूर्ण होने को जा रहा है, लेकिन एक भी छात्र के लिए वो काम नहीं किया है, ना आदिवासी के लिए काम किया है, ना मूलवासी के लिए काम किया है। उन्होंने स्थानीय नीति का बात किया था, नियोजन नीति का बात किया था, उन्होंने खतियान का बात किया था, 5-5 लाख रोजगार का बात किया था, लेकिन एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किया है। इसको हम लोग 2024 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अगर हम लोग सरकार बनाना भी जानते हैं तो सरकार चलाना भी जानते हैं, अगले सरकार कुमारों की सरकार होगी, युवाओं की सरकार होगी, हम सरकार को बताना चाहते हैं। हाँ तो देख सकते हैं दोस्तों, काफी ज्यादा छात्र यहाँ पे धरना पे बैठ गए, जो झारखंड बंद का आंदोलन किया था, जैसे कि वहाँ पे सब देवेंद्रनाथ महतो ने झारखंड बंद का आंदोलन किया था 10 जून और 11 जून को, तो यहाँ पे सबको उसका रंग दिख रहा है, जितने भी छात्र है यहाँ पे बैठ गए धरना प्रदर्शन के लिए, और हमारे यहाँ पे 7 निकले हैं निरसा एरिया में कुछ महतो, तो आप देखिए यहाँ पे कौन कौन यहाँ बैठे हैं, कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सारे छात्र यहाँ पे बैठ गए हैं। हमारी नौकरियों को बेचना बंद करो, हेमंत सोरेन होश में हो, 40 ना चलता, हेमंत सोरेन होश में
रखना बंद करो, हमारी नौकरी बेचना बंद करो, हमारी भाषा न चल दो, न चल दो। आप लोग मीडिया के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, आप सभी को पता होगा कि 740 नियोजन नीति के विरोध में हम लोग लगातार 6 महीना से हम लोग झारखंडी छात्र, नौजवान, आदिवासी, मूलवासी छात्र सभी को ही हम लोग सड़क में आंदोलन कर रहे हैं। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो आगे क्या रणनीति रहेगी? सरकार नहीं मानती है तो ये अभी 2 दिवस से हम लोग का बंदी का ऐलान था, आगे हम लोग का महीना महीना भरों का आंदोलन करेंगे, जेल भरों का आंदोलन करेंगे। लेकिन सरकार की ये जो नियोजन नीति है 740 हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई स्वीकार नहीं करेंगे। पानी भी मिल रहा है, वो चीज बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। यहाँ के लोग हमको समर्थन कर रहे हैं, हमारे 740 नीति के खिलाफ झारखंड का समर्थन कर रहे हैं, और हमें ये ठंडा ठंडा पानी भी मिल गया, हम पीते हैं और डर गया मेरा। तब तक इसका वीडियो लो, बोलो होश में आओ, 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 मंजूर के होश में आओ, ना चल दो, ना चल दो, ना चालीस ना चल दो। अब यहाँ पे देख सकते हैं मामू लोग, मतलब पुलिस लोग भी यहाँ पे आ चुका है, लेकिन अभी तक ये जो अपना जीप से निकला नहीं है, देखते हैं कब तक ये निकलते हैं और क्या बोलते हैं, क्या नहीं तो पता चल भी करेगा। तो बने रहो यार, वीडियो बताओ, सब्सक्राइब करो यार, तुम समर्थन करो, अगर तुम लोग 740 को समर्थन करता तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मिलते रहेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए 740 मैच चलता है, झारखंड आज बंद है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बंदी का नतीजा कितना हो गया है, पूरा ट्रैफिक लग गया, इधर भी आप देख सकते हैं, जहाँ तक दिखेगा आपको खाली ट्रैफिक है दिखेगा, और इधर आप अगर देखना चाहते हैं तो पूरा हाईवे का लाइन लग गया है। इधर यहाँ पे आप हम लोग बंदी का कार्यक्रम किए, जो ब्रिज का रेलवे ब्रिज के नीचे हम लोग बंदी का कार्यक्रम किए हैं, और यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो काफी ज्यादा यहाँ पे भीड़ लग गया है, काफी ज्यादा ट्रैफिक लग गया इधर से, क्योंकि ये MPL का मेन रूट है, MPL इसी से जाता है, तो आप देख सकते हैं जहाँ तक आप देखोगे आपको हाईवे का लाइन दिखेगा, इतना ज्यादा यहाँ पे गाड़ी इकट्ठा हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया। सबको पता है कि आज झारखंड बंद है, सबको पता है आज झारखंड बंद है, फिर भी सब रोड पे निकले हैं, रोड पे निकलोगे तो भाई ऐसा होगा ही, क्योंकि आज झारखंड बंद है, तो भाई बंद है 740 नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी एम्बुलेंस भी पार हो रहे हैं, जिनको हमने पार होने दिया जा रहा है, देखिए ये सारे एम्बुलेंस जा रहे हैं, सारे एम्बुलेंस जा रहे हैं, एम्बुलेंस को हमने रोका नहीं है, एम्बुलेंस को हम जाने दे रहे हैं, झारखंड में बंद है तो क्या हुआ, क्योंकि मुसीबत किसी को देख के नहीं आता है, एम्बुलेंस हम जाने दे रहे हैं यहाँ पे। प्रोटेस्ट करते करते हम लोग का टाइम हो गया, डेढ़ बज गया अभी, और देख सकते हो मौसम का हाल, बिन मौसम बरसात, अच्छी हुआ है, इसका बोलो, बोलो बोलो 740 नहीं चलते, बोलो 740 जोर से बोलो, 740 ना चलते, बंद करो, 740 ना चलते, 740 ना चलते,
हेलो गाइस, झारखंड बंद का कार्यक्रम हम लोग का सफल रहा। कुछ मातो भी अभी यहाँ से लौट गए हैं और अपने घर की ओर जाएंगे। हम लोग भी सब भी अपने अपने घर की ओर लौट रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो गया और प्रोटेस्ट हमारा सक्सेसफुल रहा और बंदी जो थी काफ़ी अच्छा सा रहा। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं घर। आप मुझे यही बताओ कि आपको वीडियो कैसा रहा, कमेंट में ज़रूर बताना तुम। और अगर आप 60-40 नीति के खिलाफ है तो कमेंट में लिखिए 60-40 नेचुरल। तो और मिलते हैं आपको हम अगले किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाबा जोहार, जय झारखंड।